सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत करता हूं। नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं और वो भी एक नया टॉपिक्स जैसे कहते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। और एक परमाणु द्रव्यमान से पहले मैंने परमाणु की सारी कहानी आप लोगों को सुनाई। इसके पिछले चैप्टर में परमाणु अणु आयन के बारे में सारा कहानी बताए। उसमें हमने फॉर्मूला लिखने के लिए भी सिखाए। आगे की जो टॉपिक है या चैप्टर कहा जाए वह है परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और तथा मोल संकल्पना यानी मोल कंसेप्ट। ये अगला चैप्टर है जो आप लोग का ये सिलेबस अगस्त से शुरू होता है। तो आप लोग के जुलाई तक जो पढ़ना था चैप्टर, ये चैप्टर हमने करीब करीब आप लोग को पहले ही समाप्त कर दिए थे। फिर बीच में तैयारी करने के लिए आप लोग को मौका दे दिए कि तैयारी कीजिए। हो सकता है कोरोना के कारण जो हम लोग का क्लास जो बंद चल रहा है वह खुले, स्कूलों में जाम हो, तब हम लोग आगे बढ़े। लेकिन अब न तो स्कूल खुलने की बात चल रही है और न कोचिंग खुलने की बात है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं यही तुम लोग से कहूँगा कि जितना बताते हुए चले जा रहे हैं उसे कॉपी में नोट करते चलें और प्लस अपना चैप्टर का क्वेश्चन भी बनाते चलें, ठीक है ना। ये सारे विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूँ इस तरह से कि आप लोग अपने आप को छुट्टी में समय न बिताएं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले सभी विद्यार्थी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर उठता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का हिंदी हो गया परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु के बारे में तुम लोगों को यही मैंने बताया या डाल्टन ने बताया, प्रोस्ट ने बताया, एंटोनी ने बताया कि दुनिया में जितनी सारी पदार्थ हैं वह सभी परमाणु के ही संयोग से बनता है। किसके संयोग से बनता है? परमाणु के संयोग से बनता है। और ये परमाणु जो होता है ये बताए कि तत्व का सबसे अंतिम कण होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। डाल्टन के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो डाल्टन ने यही बताया कि परमाणु तत्व का सबसे अंतिम कण होता है, जिनके संयोग से अन्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो परमाणु सोचिए, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं, तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है, माने इतना छोटा कण है परमाणु कि जिसे हम इस नंगी आंखों से देख नहीं सकते। तो सोचिए द्रव्यमान का मतलब तो सब लड़कन जा रहा है वजन। द्रव्यमान का मतलब वजन, फिजिक्स में आप लोग बताए द्रव्यमान और भार। तो बताओ परमाणु द्रव्यमान का मतलब वो क्या थी कि परमाणु का द्रव्यमान। कैसे कोई आलू दिया और कहा कि चलो आलू का द्रव्यमान बताओ, समझा जी लड़के लोग। आलू का द्रव्यमान अगर पूछ देगा तो आलू को तराजू पर रख करके तौलोगे, बोलेगा कि सर हुआ 25 ग्राम 35 ग्राम, कुछ बोलेगा ना जी। एक अंगूर हम ले लें, अंगूर को भी तराजू पर रखेंगे तो 5 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम उसका भी वजन होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि परमाणु का द्रव्यमान, सोचो तो क्या परमाणु को तराजू पर रख करके तौल सकते हो?
नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं तो क्या उसे तराजू से तोल सकते हो? नहीं, असंभव जी है। तो सोचो कि परमाणु का द्रव्यमान तराजू पर तोल नहीं सकते हैं तो फिर ये कैसे बता सकते हैं कि किस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? अब कैसे बोला कि तत्व में कार्बन है, कहेंगे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बताओ। नहीं, मैंने कोई तत्व के परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे, तो क्या जब तक उसका द्रव्यमान नहीं बताओगे तभी कैसे पता चलेगा कि कौन सोना का परमाणु है और कौन चांदी का परमाणु है? दोनों परमाणु का आखिर द्रव्यमान तो अलग अलग हुआ, क्योंकि दोनों दो तरह के परमाणु है तो उनके परमाणु का द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, लेकिन उसे तराजू पर तौल नहीं सकते हैं। तो यही सारी समस्या हमारी केमिस्ट्री में थी कि तत्वों की परमाणु द्रव्यमान कैसे बताया जाए। तो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बताने के लिए ही यहां एक इकाई की जरूरत पड़ गया, जिसे तुलना करके अन्य तत्वों की परमाणु द्रव्यमान बताया जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप दुकान में जाते हैं और कहते हैं 50 ग्राम चीनी दीजिए। अब 50 ग्राम की चीनी मांग रहे हैं और 50 ग्राम की बाट नहीं है दुकानदार के पास, तो क्या उसे छोटा बाट से भी काम कर सकता है? नहीं, आप 50 ग्राम चीनी मांग रहे हैं और उस दुकानदार के पास मांगते हैं कि 10 ग्राम का बटखारा है, 10 ग्राम का बटखारा है। अब मांगा चीनी कितना? 50 ग्राम। अब 10 ग्राम के बटखारा से क्या उसको चीनी दे देंगे कि नहीं देंगे? कैसे देंगे जी लड़के लोग, बोलिए। हाँ, कैसे दिया है? हाँ, उसको 5 बार तौल देंगे, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम 5 बार तौल दिया तो हो गया 50 ग्राम। माने ये 10 ग्राम के अगर बटखारा लिया जाए तो उसे तुलना करके भी हम 50 ग्राम या 100 ग्राम तौल सकते हैं। इसीलिए यहाँ केमिस्ट्री में भी तत्वों की परमाणु द्रव्यमान बताने के लिए एक इकाई का चुनाव किया गया, और वो इकाई के रूप में चुनाव किया गया आपका कार्बन 12, क्योंकि कार्बन होता है 3 प्रकार के परमाणु, कार्बन के परमाणु 3 तरह के, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14, 3 तरह के कार्बन। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं कार्बन 12, कहता है कार्बन 12 के, मतलब कार्बन 12 के मतलब एक प्रकार के कार्बन है जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12, समझ बात को। कार्बन के 3 परमाणु, 3 तरह के परमाणु, 3 कार्बन के परमाणु ऐसा है कि जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, ए का 13 है, एफ 14 है, तो कार्बन 12 का देने का मतलब कि जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान में 12 से भागा देने और 12 से भाग देने के बाद जो मान मिलता है उसी को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट, जैसे आज के डेट में यूनिफाइड अंतर है। बात समझ रहे हो? कार्बन कोई बोले कि परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, क्वेश्चन सुना लीजिएगा पेपर, परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं, तो उसे यही बताना है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, क्या भाग? 12वां भाग। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें जो भाग होता है, माने 12 से भाग देने पर जो मान आता है वही परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। बस मैया, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है कि एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो अब सोचिए यहां पर देखा गया है कि प्रैक्टिकली कि कार
1.022 गुना 10^23 तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान जो होता है वह 12 ग्राम होता है। बस समझ गया, कितने परमाणु का समझ गए ना, हां इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12 ग्राम होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान 12/6.022 गुना 10^23। हेलो, हाँ दादा दवाइया खरीद ठीक है, हाँ थोड़ी मंगा ली है मेडिकल में से, तो ना ठीक है फिर गुलाला वाला कर लिए है। आवाज़ आ रही है, है? अच्छा थोड़ा देर में कॉल करें। देखिए तो हाँ बता रहे थे कि कार्बन के इतना परमाणु का द्रव्यमान जब 12 ग्राम है, एक मतलब कि एक परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वह 12/2 इतना हो जाएगा। अब कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान की 12वां भाग, मैंने देखो 1/12 से हम गुना कर दिए, तो 12 से 12 कट गया, बाकी बच गया 1/2 कितना बच गया, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर दिए हैं तब वो आ गया 1.66 × 10^-24 ग्राम। अब यही हो गया परमाणु द्रव्यमान की इकाई। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर अगर पूछेगा तो बताइएगा कि 1.66 × 10^-24 इतना ग्राम, ठीक है। अब देखा है कि यहां पर एक नोट दे दिए हैं कि 1 amu माने एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1 kg। चाहे amu एटॉमिक मास यूनिट कहिए चाहे 1 kg कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो चूंकि 1 amu = 1 kg हो गया, इसलिए 1 kg बराबर इतना ग्राम भी कह सकते हो। तो किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना हो, उन्हें परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान, लोहा के परमाणु का द्रव्यमान, तो सबसे पहले हमको परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान याद करना होगा। क्योंकि ऐसे परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा कहता है कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होता है जो यह बतलाता है कि उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान है। बात समझ रहे हो, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा को पूछे तो उसको बताना है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होता है जो यह बतलाता है कि उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, समझेगा, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग से कितना गुना भारी होता है। इसलिए फॉर्मूला लिखा गया है परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, में देखो 12 से भाग दे दिया, 12वें भाग से कितना गुना भारी है, समझे। परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा अगर लिखना चाहिएगा तो सभी लड़के लिखिएगा, सुनिए, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होता है जो यह बतलाता है कि, ठीक है, जो यह बतलाता है कि उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान, उस तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग
कितना गुना भारी होता है, से कितना गुना भारी होता है। इसलिए सब लड़के चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थी भी जहां भी हैं वहां पर लिखिएगा। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा जो बोला से हुआ, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के बारे में अगर कोई पूछता है तो यही उसको फॉर्मूला बताइएगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर पूछेगा तो वो समझिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो बोलेंगे 1.008 यू। यू माने यूनिफाइड या एटॉमिक मास यूनिट, बात समझे। तो ये परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हो गया, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान हो गया। तो इतना आज आप लोग तैयारी करेंगे, फिर हम लोग अगले दिन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। गुड नाइट, धन्यवाद।